नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, अगर आप सभी को लग रहा है कि एनसीबी की टीम किसी के डर से या फिर किसी के दबाव में आकर या किसी के बहकावे में आकर और या फिर शाहरुख खान का बड़ा नाम होने की वजह से शाहरुख खान के बेटे को छोड़ देगी, तो ऐसा बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत बड़ी बातें बताने जा रहा हूँ। आप सभी हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, एनसीबी की टीम ने फाइनली कर ली है बड़ी जीत हासिल और शाहरुख खान के बेटे को कई दिनों तक और भी कस्टडी में रखा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, शाहरुख खान का बेटा जेल में लगातार तड़फड़ा रहा है और जेल से निकलने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके एनसीबी की टीम ने फाइनली शाहरुख खान के बेटे को अपने चंगुल में दबा कर रखा है और देखने को मिल रहा है कि अब शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी की टीम छोड़ने वाली नहीं है। बहुत ध्यान से आप सभी इस खबर को सुनिएगा। आर्यन खान समेत 7 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को कस्टडी बढ़ाने के लिए कोर्ट में पेश किया है। एनसीबी ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि उन्हें 11 अक्टूबर तक सभी आरोपियों की कस्टडी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने आर्यन खान समेत 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। दोस्तों, कोर्ट ने एनसीबी से कहा है कि हमें फिलहाल नहीं लगता कि आगे और भी कस्टडी बढ़ाए जाने की जरूरत है, इसलिए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हालांकि आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई अभी होनी है। 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट ने फिर से जमानत देने से इनकार कर दिया तो फिर सभी आरोपियों को कुछ दिनों तक और भी जेल में रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि शाहरुख खान का जो बेटा है वो बहुत बुरी तरह से एनसीबी के लपेटे में आए और वो चाहे जेल से निकलने की या जेल से भागने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो इतना आसानी से बचने वाला है नहीं। और जिस तरह से एनसीबी लगातार एक के बाद एक सख्त एक्शन ले रही है, उसे एक बात तो साफ है कि एनसीबी की टीम शाहरुख खान के बेटे को इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। और एनसीबी की टीम ने जिस तरह से बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, इससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में आर्यन खान को वो सारी सच्चाई उगलनी होगी जो कि अभी भी आर्यन खान ने नहीं बताया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत का केस भी एनसीबी की ही टीम सॉल्व कर दे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि एनसीबी की टीम अब आर्यन खान की बहुत बुरी तरह से जेल के अंदर धुनाई करने वाली है और पीट पाट के इससे पूछने का प्रयास करेगी कि आखिर रियलिटी है क्या बॉलीवुड में, और भी वो कौन से लोग हैं जो कि ड्रग्स लिया करते हैं और कहां कहां तक ये ड्रग्स का जाल बिछा हुआ है। साथ ही साथ ये आर्यन खान खुद कहां से ड्रग्स लिया करता था और कौन से ड्रग्स स्मगलर हैं जिसका इससे कनेक्शन है, ये सारी बातें आप सभी को आने वाले जाँच में सामने आते हुए नजर आएगी। और इसी वजह से एनसीबी ने फाइनली आर्यन की कस्टडी को बढ़ा और ये जो बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल बिछा हुआ है उसको अब एनसीबी कतरने की कोशिश कर रही है। तो शाहरुख खान के बेटे की ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि एनसीबी ने पीट पीट कर ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि शाहरुख खान के बेटे को बताना ही पड़ेगा कि वो किससे ड्रग्स लेता था, कितना लेता था और कहां से लेकर के किस तक पहुंचाता था। जी हां, बहुत ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे की जमकर हुई है धुनाई, एनसीबी ने कर दिया है बुरा हाल, रो रो करके हो चुका है आंखें लाल। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब एनसीबी ने अचानक से हिरासत में लिया तो पूरे बॉलीवुड जगत में हड़कंप मच गया और बॉलीवुड का हर एक इंसान पूरी तरह से बचाने की कोशिश में जुट गया आर्यन खान को, लेकिन वही हुआ जो एनसीबी चाहती थी। जी हां, आपको बता दें, एनसीबी ने ना सिर्फ शाहरुख खान के बेटे को धर दबोचा बल्कि उसको 7 अक्टूबर तक तो जेल में भी रखा और एक बार फिर से एनसीबी की टीम शाहरुख खान को जेल में ही रखने के लिए एक बार फिर से कोर्ट पहुंच चुकी है। और इस बार तो शाहरुख खान के बेटे का रो रोकर ऐसा बुरा हाल हुआ है जैसे लग रहा है कि मानो एनसीबी ने इसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है, और ऐसा लग रहा है कि एनसीबी ने सच उगलवाने के लिए इससे ठीक वही पैतरे आजमाए हैं जो कि बाकी आम मुजरिमों पर आजमाया जाता है। आप सभी समझ रहे होंगे कि आर्यन खान के साथ इन 7 दिनों में जेल में क्या बीता होगा। यहाँ तक कि शाहरुख खान से मिलने के लिए भी अब इसको परमिशन लेना पड़ रहा है और शाहरुख खान भी आर्यन के पास ऐसे ही मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान की वाइफ अपने बेटे के लिए बर्गर लेकर के जेल में गई थी, लेकिन बर्गर खिलाने से मना कर दिया गया। और यही होती है बिल्कुल सच्चा कानून सच्चा नियम। एनसीबी की टीम और समीर वानखेड़े की टीम ने वो कारनामा करके दिखाया है जिस पर विश्वास करना भी एक बार को हर किसी के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन समीर वानखेड़े ने ये ना देखते हुए कि वो एक बड़ा सेलिब्रिटी का बेटा है, बल्कि ये देखते हुए कि उसने एक गलती की है और उसकी जो सही सजा है वही
और इस वजह से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अभी तक इतना ईमानदार अधिकारी ना ही तो एनसीबी में आया था और ना ही शायद कभी आएगा। और इसी वजह से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है और लग रहा है कि पूरी की पूरी एनसीबी की टीम ने ही बॉलीवुड वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शाहरुख खान के बेटे की, शाहरुख खान की, सलमान खान की और तमाम बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी की हालत खराब हो चुकी है। और हर किसी को ये समझ में आ चुका है कि जब तक समीर वानखेड़े एनसीबी के पद पर रहेंगे तब तक बवाल मचा रहेगा और एक भी अधिकारी अब किसी भी तरह से बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को या फिर एक्ट्रेसेस को छोड़ने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एनसीबी की टीम आर्यन खान से वो सच भी उगलवा लेगी जो कि शाहरुख खान और आर्यन खान मिलकर छुपाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सच छुपने वाला नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है ड्रग्स लेकर, और ये क्राइम की सजा जो भी होगी समीर वानखेड़े की टीम जरूर उनको देगी। हमने देखा है कि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के घर पर कई तरह की ऐसी घटिया हरकत करते हुए पाए गए हैं लेकिन उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन इस बार समीर वानखेड़े के चंगुल में शाहरुख खान का बेटा फंसा है और इसी वजह से जो तमाम बॉलीवुड को जानते हैं, जिनको पता है कि बॉलीवुड में कितनी गंदगी है, वो इसी तरह से कयास लगाए बैठे हैं समीर वानखेड़े से। उनको लगता है कि शायद अब न्याय होगा और शाहरुख खान के बेटे को वही सजा मिलेगी जितनी बड़ी उसने गलती की है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।